मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत फिर से शादियां शुरू हो चुकी हैं, जिसका नजारा देवास के कन्नौद में देखने को मिला, जहां पर कई जोड़े शादी के गठबंधन में बंधे और एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई, जहां नवयुगल और उनके परिजनों ने सरकार को धन्यवाद दिया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देवास के कन्नौद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय महाविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ। विवाह में 63 जोड़ों का गायत्री परिवार द्वारा मंत्रोच्चार से विवाह संपन्न कराया गया। वहीं 9 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह संपन्न हुआ। इस तरह से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत 72 नवयुगल जोड़ों ने एक दूसरे का दामन थामकर दांपत्य जीवन में कदम रखा। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गरीब कन्याओं के निःशुल्क विवाह के कार्यक्रम को बरसों से चला रही है। इसके अंतर्गत आज जनपद पंचायत कन्नौद और नगर पंचायत कन्नौद के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विशाल कार्यक्रम यहाँ कॉलेज परिसर में रखा गया है। लगभग 72 जोड़े यहाँ पर इस सम्मेलन में आए हैं, 9 कन्याओं का जिसमें निकाह भी हुआ है और बाकी का सामूहिक विवाह यहाँ गायत्री परिवार के वैदिक मंत्रोच्चार पद्धति के माध्यम से कराया जा रहा है। इन बच्चियों को सरकार के द्वारा जो मानदंड फिक्स किए गए हैं उसके अनुरूप राशि का वितरण भी किया जाएगा। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं इतने बड़े कार्यक्रम में पधारे समस्त नव वर वधुओं का जीवन मंगलमय हो और मध्य प्रदेश की सरकार के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इन बेटियों को विवाह के इस महान आयोजन के माध्यम से उपकृत करने का काम किया। बेटी का विवाह माता पिता पर बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार ने ले रखी है। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह समारोह में शादी के गठबंधन में बंधे जोड़ों को गृहस्थी का सामान भी भेंट किया गया, साथ ही तय राशि भी चेक के जरिए दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खातेगांव।